माइनिंग लगा हुआ भाई, घुसना मत वरना बूम। नुब्रा रीजन इसका नॉर्थ साउथ पड़ जाता है और पेंगंग रीजन इसका साउथ साइड पड़ जाता है। भाई लोग इतना लंबा खींचे, इतना लंबा खींचे कि मैं डुबरुक में पहुंचा, डुबरुक में जस्ट रुका और इन्होंने कॉल किया, भाई कहाँ पे हो? नदी है, पहाड़ है और साथ में कुछ भाई लोग भी है, तो अब मैगी खाने का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। भैया द्वारा परोसा जा रहा है और भैया ही बनाया है। बहुत ही गजब के ट्विस्टी रोड है, ट्विस्ट एंड टर्न से भरे पड़े हैं। इधर जो हो गया डीबीओ रोड, जो मैंने आपको बताया 16 किलोमीटर का मिलिट्री रोड है, असली ऑफ रोडिंग वाला पैच। अगर रास्ते में मिल जाए ऐसे झरना तो और क्या कहना, इसी में भर लो पानी। वाह कितना खूबसूरत पानी है भाई, इस नदी का अलग ही फील है बस ऐसा खूबसूरत नजारों के बीच ऐसे चलने में। पत्थर फंस गया ब्रेक में। ओ भाई साहब क्या है ये, क्या है भाई ये, क्या है ये, क्या है पूरा बालू। चल भाई आ, देख रहे हो खुजली, रात के 9:15 हम लोग कैंपिंग लोकेशन ढूंढ रहे हैं। उठाइए ना थोड़ा, भाई देखो अगर रास्ते में मिल जाए ऐसे झरना तो और क्या कहना, इसी में भर लो पानी। और मैं एक सही बात बता रहा हूँ, ये रास्ता में जो ऑफ रोडिंग था उस ऑफ रोडिंग का वो भी नहीं बचा है, क्योंकि पहले मैं बताता हूँ उधर पत्थरों से होके गुजर के जाना पड़ता था, उस साइड से पत्थरों से होके गुजर के जाना पड़ता था, और अभी तो बहुत रोड बन चुका है, अभी बस थोड़ा मोड़ा पत्थर है। भाई इधर प्रदीप भाई, इधर आ रहा, प्रदीप भाई पहले भी लद्दाख आ चुके हैं, इधर आ रहा तो बता रहा ऑफ रोडिंग का क्या रहा सोचा है भाई साहब, पिछली बार तो नहर में से निकाल के लेके जाने भाई। अभी कुछ नहीं बचा भाई, कुछ नहीं ऑफ रोडिंग का, लद्दाख जल्दी आओ नहीं तो ये भी खत्म हो जाएगी। भाई साहब ऊपर से आपको नजारा दिखाता हूँ, कैसे पहाड़ों से झरने की पानी बह के आती है और हम उसे पी रहे हैं, यही तो स्वादिष्ट पानी है भाई, ये ओरिजिनल पानी है, कहाँ आरो के पानी पी रहे हो, इसे पियो मजा आ जाएगी। निकलते हैं यहाँ से, पहले तो क्या गजब, उधर में ऑफ रोडिंग होते हमें जाना पड़ता था वाटर क्रॉसिंग, अभी तो फिलहाल रास्ता बना दिया, अभी कुछ नहीं है भाई ऑफ रोडिंग का। जो लोग अभी लद्दाख आके ऑफ रोडिंग कहोगे ना तो मैं कहना चाहता हूँ अभी ऑफ रोडिंग का कुछ नहीं बचा है। चलो फिर भी सही है, जो है वही सही है। हाँ यहाँ पे देखो प्रदीप भाई अपाची वाले, ये भी सही मतलब पूरा ऑफ रोडिंग के मजे ले रहे, और पीछे जो भैया खाना वाना बना रहे हैं मतलब वो भी पूरा एडवेंचर वाले हैं, बस वो आरआरआर भाई वो थोड़ा पीसफुल बंदे हैं, मतलब उनको एडवेंचर उतना पसंद नहीं है, थोड़ा पीसफुल पसंद है। सही है, सबको अपना अपना चॉइस है भाई, और हम तो ठहरे एडवेंचर बंदे। चलो यहाँ पे अभी ऐसे ही रास्ता बीच बीच में मिलने वाली है मुझे लगता है, कोई नहीं जो है सह लेंगे, इसके भी मजे उठा लेंगे और आप भी उठाओ। अच्छा तो अघम 30 किलोमीटर है और खलसर 55, यानी कि अघम से खलसर और 25 किलोमीटर का रास्ता है, और खलसर के बाद तो ज़्यादा दूर नहीं है डिस्किट और हुंडर, डिस्किट पहुँचे डिस्किट के बाद हुंडर। साला मैं तो कैमरा ऑफ कर ही नहीं पा रहा हूँ, जब कैमरा ऑफ कर रहा हूँ थोड़ा देर बाद कैमरा ऑन करना पड़ जा रहा है, मन इतना उत्साहित हो जा रहा है, मतलब इतना ऑफरोडिंग आ जा रहा है कि तुरंत कैमरा ऑन करना पड़ जा रहा है। भाई साहब अब हमें यही ऑफ रोडिंग ही मिलेगी, ऑफ रोडिंग मिलेगी। अच्छे रास्ते थे जो कि ख़राब हो गए हैं, और यही रास्ता का बहुत सारा वीडियो मैंने देखा है, जब नदी का पानी बढ़ गया था और ये वाला रास्ता आधा डूब गया था और लोग गाड़ियों को बहुत मुश्किल से पार कर रहे थे, गाड़ियाँ फंस जा रही थी यही सब जगह में।
कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी? मेरे को कुछ भी नहीं, मैं तो आपका वेट कर रहा था। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, कोई नहीं, चलिए सबसे पहले आ रहे हैं, रुक जाते हैं। हाँ, कोई नहीं, चलिए चलिए। सियोक रिवर के ऊपर बना ये वाला ब्रिज देखो, आहा, सच में इन सारे ब्रिज का खूबसूरती अलग होती है। आहा, कितना खूबसूरत पानी है भाई इस नदी का। मिट्टी वाला रास्ता आगे, हाँ मैं क्या देख रहा हूँ, अभी चढ़ाई। चलो कोई बात नहीं, अघम तक अगर ऐसे ही रास्ता रहा फिर तो दिक्कत है भाई। हाँ, अघम से खलसर तो ऐसा रास्ता उतना नहीं है मेरे ख्याल से, बट अघम तक नहीं, नहीं पूरा ऐसा नहीं है, बीच बीच में ऐसा है। देखो बीच बीच में रास्ता है, बीच बीच में ख़राब है। चलो 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 चलो, सही है सही है, इसक्रैम्बलर हो। चलो चलो, और ये खूबसूरत, ये खूबसूरत नज़ारों के बीच ऐसा चलने में अलग ही फील है, बस अलग ही फील है बस ऐसा खूबसूरत नज़ारों के बीच ऐसे चलने में। चलो फिर इस खूबसूरत सी सियोक नदी के बारे में आपको कुछ चीज़ें बता ही देता हूँ। तो ये सियोक नदी जो है ये रिमो ग्लेशियर से ओरिजिन होता है। रिमो ग्लेशियर वहाँ पे जो सियाचिन है, सियाचिन बेस कैंप आप जा सकते हैं, आपको पता है। तो सियाचिन जो ग्लेशियर वहीं से एक है रिमो ग्लेशियर, तो वहीं से ये सियोक रिवर ओरिजिनेट होके आती है। बाकी ये चलते रहती है, चलते रहती है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में घुस जाती है गिलगित बल्तिस्तान होते हुए। ये रास्ता भी मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा टाइम तक ये ऑफ रोडिंग रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह से बाकी देख रहा हूँ कि बना हुआ है तो ये रास्ता भी मेरे ख्याल से बन जाएगा। बट वही है कि ये रास्ता बनता भी है तो पहाड़ ही ऐसे यहाँ के। बाकी मज़ा आ रहा तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर करो कि 12 साल पुराना 100 cc पैशन प्रो लेके बंदा ऑफ रोडिंग कर रहा है, लद्दाख गया है। चलो, ये नया रास्ता है, मतलब ये रास्ता पहाड़ को काट के बनाया गया, एकदम नया रास्ता है, पहले ये रास्ता नहीं था। 2 साल पहले नदी किनारे किनारे ही रास्ता था। ओ भाई साहब देखो क्या फंस गया, पत्थर फंस गया ब्रेक में। अरे यार, हाँ गिरा वही, मैं सोचा ब्रेक फंस गया, पत्थर ब्रेक में फंस गया था भाई। हम पहुंच चुके हैं अघम विलेज। तो अघम विलेज से खलसर 25 किलोमीटर, यहाँ पे पेड़ों को नहीं काटा गया, शायद इधर से पार किया जाएगा, पेड़ों के लिए रोक दिया गया। बाकी अघम विलेज भी काफ़ी खूबसूरत सा विलेज है। यहाँ से खलसर मेरे ख्याल से ज़्यादा देर नहीं लगना चाहिए, और अगर BRO ने ऐसे रास्ता बना रखा है फिर तो चुटकियों का खेल होगा। चलो यहाँ पर रुकते थोड़ा, दुमका जिला। अरे चलिए बढ़िया, आप दोनों का नंबर देखे और आए। दुमका कहाँ से? कालकुंड। कालकुंड, अच्छा काठीकुंड। एक धोखा हुआ है, 2022 की गाड़ी नहीं, 22 की 23 21 2023 की गाड़ी, और साले मैं सोच रहा हूँ दोनों 100 cc भाग कैसे रही है और मेरा भाग नहीं रही है। मेरा 12 साल पुरानी हो गई आपको नहीं। चलो भाई अभी आगे बढ़ा जाए, अब यहाँ से खलसर और 25 किलोमीटर है, देखते हैं खलसर तक रास्ता कैसा है। कितना धूल उड़ा रहे हो, कितना धूल उड़ा रहे हो। भाई साहब क्या खटमल रास्ता है, बस ये पूरा खटमल एकदम। जो नदी वाला पत्थर पत्थर वाला रास्ता था वो भी चलो सही में चल रहा था, चलो ठीक है चल रहा था, लेकिन ये वाला भाई खटखट 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 गुड़गुड़ 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 गुड़गुड़, ये रास्ता बिल्कुल पसंद नहीं भाई हमको, ये रास्ता बिल्कुल पसंद नहीं। आ हा हा हा, देख रहे हो? ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, नहीं देख रहे हो भाई ऑफ रोडिंग। चलो चलो, देख रहे हो भाई साहब पूरा पूरे ये रिवर क्रॉसिंग है, रिवर के ऊपर हम चल रहे हैं, उधर में रिवर है इधर हम चल रहे हैं। बाकी
हाँ रिवर में जब पानी हो जाता तो फिर ये रास्ता पूरा क्लोज हो जाएगा, क्योंकि वो सियोक रिवर तो हमारे साथ ही चल रहा है और यहाँ पे पानी अभी बहुत कम है। वही पीछे रह गया दूर। चलो चलो कोई नहीं। ये सही है भाई, ये सही है। क्या है ये, क्या है भाई ये, क्या है? देखो पूरा झरने जैसे लग रही, इतना सारा मतलब उधर से रास्ता काटा गया तो उधर से पानी को फ्लो करवाया गया, और कितना सुंदर लग रही है, कितना सुंदर ये नदी। ओसम भाई ओसम। होप सो कि अभी खलसर तक ऐसा ही रोड मिले तो फिर मजा आ जाएगा, अगर खलसर तक ऐसा ही रोड रहता है तो। बढ़िया भाई बढ़िया। था कुछ ऐसा पॉइंट था उस रोड? हाँ हाँ वही वही, उनसे पूछ लेते हैं क्योंकि नया रास्ता मर रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। चलो चलो भैया यही वाला, चलो चलो। तो भाई देखो नया रास्ता बन रहा है तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, किधर से डिस्किट, किधर से कहाँ पे खलसर है, कहाँ पे किधर से खारदुंग विलेज, खारदुंग लापास, तो वो वाला जगह था नया रोड बन रहा है इसलिए समझ नहीं आया। तो उधर से आप चल जाओगे खारदुंग होते हुए खारदुंग लापास होते हुए ले, तो उधर से खारदुंग लापास की ओर चल जाओ, हम खलसर में, खलसर से इधर हम डिस्किट की ओर कट जाएंगे, और यहाँ पे खलसर से डिस्किट है 21 किलोमीटर। तो ये वाला ब्रिज देखो, ये वाला ब्रिज आपको क्रॉस करना पड़ता है, सियोक रिवर के ऊपर बना हुआ ब्रिज जो कि डिस्किट की ओर लेके जाता है। तो डिस्किट की ओर जाएंगे और डिस्किट से हुंडर, यहाँ से डिस्किट है 21 किलोमीटर, और हम जो खलसर में है ये 10,700 फीट की एल्टीट्यूड में, हमें बहुत कम ही आपको सीमेंटेड ब्रिज देखने को मिलेंगे इस एरिया में। अब डिस्किट जाने का रास्ता कितना गजब था, अभी ये देखो पूरा ऑफ रोडिंग वाला पैच हो गया डिस्किट जाने का रास्ता, क्योंकि ये रास्ता बन रहा है तो बनने के जब तक नहीं बनता तब तक ऐसा ख़राब रास्ता, उसके बाद फिर अच्छे रास्ते हो जाएंगे। रास्ता था वहाँ से बीच से था, अभी क्या कर दिया साला रास्ता बनाने के चक्कर, मतलब लद्दाख अपना पहचान छोड़ के रहेगी। चाहे कितना भी अच्छा बन जाए फिर से खराब होगा ना ही होना है। ये क्या है पूरा बालू, चल भाई पूरा बालू है बॉस, पूरा फंस गई गाड़ी। अरे ये पूरा एकदम में ही बालू, मतलब पूरा पूरा एकदम प्योर बालू है ये, मतलब जिसमें पत्थर गिट्टी ना हो, तो इसके कारण और ज़्यादा धस जा रहा है प्योर बालू होने के कारण। ये बालू से प्लास्टर बहुत गजब की होगी, ऐसा बालू है। चलो ये तो मतलब एकदम अलग ही डिफरेंट सा लग रहा है, क्योंकि इधर से लेके जाया जा रहा है। अच्छा इस साइड भी कोई विलेज, नदी के इस साइड भी कोई विलेज है होगा, क्योंकि नदी उस साइड से हम लोग चला करते थे उस समय। कुछ समझ ही नहीं आ रहा बॉस, समझ ही नहीं आ रहा। वो वाला रास्ता तो पहले था, दूर दिख रहा है, अरे क्या जो हो गया है, तो फुल टू ऑफ रोडिंग है। अब शायद हम नदी के उस पार पार होंगे मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि अब नदी की तरफ जा रहे हम। ओह यहाँ पे सियोक रिवर कितना बड़ा हो गया और पुल इतना छोटा हो गया, देख रहे हो यहाँ पे सियोक रिवर कितना बड़ा हो गया, पुल कितना छोटा हो गया। ओ भाई साहब सुंदर औसम नजारा। तो ये रहा डिस्किट वाला ओरिजिनल रोड जो हमेशा के लिए रहेगा, मतलब हमेशा के लिए रहता है। तो ये रोड पीछे में रिपेयर हो रहा है इसीलिए हमें इधर से घुमा फिरा के लाया गया। हाँ बस रखा हुआ है, साथी है हमारा, हॉकी स्टिक साथी है हमारा, जमशेदपुर जमशेदपुर टाटा। देखो हम ये वाला जगह में आ गए, यहाँ से सीधा आप चल जाओगे बेस कैंप की तरफ, सियाचिन बेस कैंप की तरफ, और हम इधर चल जा रहे हैं डिस्किट हुंडर की ओर। डिस्किट यहाँ पहुँच गए जस्ट, यहाँ 15 किलोमीटर लिखा हुआ है इधर से, और
हुंडर कितना पता नहीं, देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे पेट्रोल पंप मिल जाता है यहाँ पे इस चौक पे, तो पेट्रोल फिल करवा लेते पूरा फुल, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 7.99 लीटर, 823 रुपीज़। मुझे लग रहा बहुत ख़राब माइलेज दे रहा अभी भी, तो मुझे चेक करना पड़ेगा। मैं वहाँ पहुँच के आपको बताता हूँ कितना माइलेज दे रहा है। चलो अब डिस्किट जाने के लिए हमें चढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद फिर से हुंडर जाने के लिए फिर डाउन जाएंगे। तो कोई नहीं, डिस्किट पहुंच जाते यार, और 10 किलोमीटर है डिस्किट। डिस्किट पहुंचने तक का तो अच्छा रास्ता था, लेकिन ऐसा कैसा हो गया पता नहीं। अच्छा अच्छा, रोड पे काम चल रही है इसीलिए ख़राब रास्ता है, मतलब रोड चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है। मैं तो सोच रहा था बहुत जल्दी डिस्किट कवर करके हुंडर पहुंच जाऊंगा, हम लोग तो अभी तक डिस्किट ही नहीं पहुंच पाए, इतना डेंजर रास्ता बन गया। रो भी गया रास्ता बना रहा, इसी चक्कर में ख़राब रास्ता हो गया है। और साला इस ऑफरोडिंग में मैं उड़ाते हुए लेके आया, कार वाले भी पीछे रह गए और मेरे साथ जो बंदे थे वो भी पीछे रह गए। चलो है, मुझे लगा अच्छा रास्ता, घंटा का अच्छा रास्ता, ये क्या है, ऐसा लग रहा जंस्कार कर रहे हैं। पहाड़ों को अभी काटा गया रिसेंट में, तो जिसके कारण तो देखो ये जो गेट है, यहाँ से आपको डिस्किट मॉनेस्ट्री जाने का रास्ता है, ये वाला रास्ता हो गया डिस्किट मॉनेस्ट्री जाने का, यहाँ से जो कार उतर रही है। बट अभी हम डिस्किट मॉनेस्ट्री नहीं जाएंगे, हम कल डिस्किट मॉनेस्ट्री जाएंगे। और डिस्किट मॉनेस्ट्री का वहाँ पे बहुत बड़ा बुद्धा स्टैचू है, तो वो भी दिखाएंगे आपको, मैत्रेय बुद्धा स्टैचू है। बाकी हम सीधा चल रहे हैं अभी हुंडर की ओर। डिस्किट में और एक पेट्रोल पंप खुल गया, यानी कि अब डिस्किट जो डिस्किट से 15 किलोमीटर पीछे वहाँ पे चौक में तो एक पेट्रोल पंप है ही, बाकी यहाँ पे डिस्किट में भी आपको एक नया पेट्रोल पंप देखने को मिलता है। क्या हुआ? हाँ पूछो ना भैया से। तो चलो भाई, यहाँ पे हमने सब्जी ले लिया, आलू ले लिया, प्याज ले लिया, टमाटर ले लिया, चावल है, दाल है अपने पास। तो आलू प्याज टमाटर चावल दाल काम हो जाएगा, हो गया। अब कैंपिंग लोकेशन मैंने देखा हुआ है लास्ट 2 साल पहले जब मैं आया था, तो मैंने देखा हुआ है, चुना हुआ है, वहीं पे कैंपिंग करेंगे। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, हुंडर और 7 किलोमीटर है। चलो बढ़िया बढ़िया। डिस्किट पार करने थोड़ी देर बाद से जो पहले रास्ता था बढ़िया, वैसे ही बढ़िया रास्ता ही है। हुंडर के यहाँ पे पहुँच चुके हैं, बाकी सब पीछे रह गए क्या, मुझे पता नहीं चला। तो उनको वेट करते हैं क्योंकि हमें अभी इधर अंदर जाना है। चलो भाई, ये भैया आ गए, अब निकलते हैं, लोकेशन पे पहुंचते हैं। लास्ट टाइम याद है यहाँ पे रुक के हमने टेंट लगा के रुक गया था, क्या हुआ? चलो चलो, अब याद आया। अभी याद आया भाई, ये खराब रास्ता है। चलो सही है, चलो चलो। अब यहाँ पे कहीं कैंपिंग का लोकेशन देखना पड़ेगा। नहीं नहीं, थोड़ा और आगे है शायद नदी, थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे, उधर से आगे मिलता है, आगे जाना पड़ेगा थोड़ा। आगे भी होगा, आगे भी होगा, क्योंकि ये वाला नहीं था, ये दोनों था ना, ये नहीं था। लोकेशन नहीं मिलेगी, एक मिनट देख, एक मिनट रुके ना, देख लेते ये वाला। हाँ वही 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 मैं सोच रहा हूँ। ये जो जगह था ये पूरा कचरा कर दिया गया। सबसे पहला तो देखो, यहाँ पे कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। हाँ, यहाँ पे ये सब कॉटेज वगैरह नहीं थे, ये कॉटेज हो गए यहाँ पे। दूसरा चीज़, यहाँ पे नदी में देख रहे बहुत ज़्यादा कचरा है, कचरा कर दिया गया है, तो इसीलिए यहाँ से फिर वापस चल रहे सेंट ड्यून्स का, वहाँ पर कैंप लगाएंगे। तो यहाँ पर अच्छा जगह था भाई, अच्छा लोकेशन था, लेकिन मैं सही लोकेशन पे आया था, लेकिन सही लोकेशन ख़राब हो गया, तो अब मैं क्या करूं। देख रहे हो खुजली, रात के 9:45 बजे हम लोग कैंपिंग लोकेशन ढूंढ रहे हैं। पे चलते इस साइड, देखते हैं कहाँ पे कैंप किया जा सकता है। क्या बोलते हो? क्या बोलता, जो तुम बोलता है बोलता है, यहाँ लगाता बिल्कुल। अगर वो पुल में उस पार पार करने का गाड़ी होगा ना, तो फिर वो घास में होगा, हो जाएगा। चलो चलो ना, चलो। क्या बोलती पब्लिक? अरे आर आर भैया को भूख लगी है बड़ी जोर की। यहाँ पे देखते हैं बाइक पार करने की जगह है कि नहीं, पार हो जाएगी बाइक। चलो फिर
खुजली तो कम नहीं है भाई हमारे। चलो भाई चल चलो चलो चलो, देख रहे हो खुजली। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, देखते बाइक पार करने का जगह किधर से। ओहो चलो 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 चलो, ए भाई ये क्या, वो तो फंसे हुए है, कर लेंगे चलो, तीन जने पार हो जाएगा, थोड़ा एक एक करके ढकेल के यहाँ से निकाल लेते हैं, निकाल ले जाएगा। चलो वापस हो जाएगी वहां से पार, पार हो जाएगी। चलो चल भाई चल चल, उठाइए ना थोड़ा, हाँ चलो पार हो गई। अब इधर पार करने का जगह कहाँ पे है, इधर तो अच्छा लोकेशन है भाई, अच्छा जगह है, बढ़िया सा फ्रेश एकदम। पार हो जाएगी, पार हो जाएगी, आराम से पार हो जाएगी, इनको भी, इनको भी पार करा दीजिए। चले 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 चले, निकालिए निकालिए, निकल जाएगी निकल जाएगी, इधर बढ़िया बढ़िया। वहां से बहुत बढ़िया है कि नहीं। तो भाई अभी रात के 9:30 बज रहे और हम हैं हुंडर में, हुंडर के सैंड ड्यून्स के वहां पे, तो फाइनली हमें कैंपिंग लोकेशन मिला।